तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस का मॉडल सेट का सेट नंबर 7। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को सीरीज बाय सीरीज इस वीडियो में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक मैंने बता दिया है टोटल का टोटल क्वेश्चन। और इस वीडियो में यानी कि सेट नंबर 7 में मैं आप लोगों को 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में NCERT पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आधारित है। और दोस्तों, इस 40 क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं ना, तो 35 नंबर आपके एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये साइंस का मॉडल सेट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मत करिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे कि पूरी तरह से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? ये चार ऑप्शन इस तरह से आपके एग्जाम में दिए रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके आने वाले एग्जाम में 80 क्वेश्चन जो है आपको साइंस में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना है। और इसी 40 प्रश्न का 40 में 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे ही वीडियो सीरीज से आएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वह है क्षारीय, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी ऑप्शन दिए रहेंगे। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ठोक देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वायुमंडल में जो CO2 गैस की उपस्थिति होती है वह होता है 0.03% होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या दिया गया है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा क्षार, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीन है, कितना आसान क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन को देखकर आप लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ दिया गया। ऑक्सीन है, ऑक्सीन इनमें से कौन सा होगा? तो वह होगा एक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर। फाइव नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें से क्या आंसर होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मानव मादा के जनन तंत्र का जो भाग नहीं है वह है शुक्रवाहिका, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैंने शानदार क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, आपके NCERT पैटर्न पर आधारित है, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरह के ऑप्शन और क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं यह आपको बताना है। तो पराग कोश में जो होता है वह होता है परागकण, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर। सेवन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इस चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वह होगा CO2, क्लोरोफिल और सौर्य प्रकाश। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है वह सभी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आठ नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना, वह होता है लीवर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नौ नंबर क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण है,
पादप माने पौधा, पौधा दोस्तों, पादप हार्मोन का जो उदाहरण है इनमें से कौन होगा? तो दोस्तों पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो है ऑक्सिन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की जो माप की जाती है ना, वह एमीटर से की जाती है। दोस्तों इसी तरह के आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे और इस तरह से आपको आपका अपने क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है दोस्तों? तो मैं आपको बताऊँ, दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयुक्त होता है वह होता है अवतल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी उपकरण में धन, धन का मतलब होता है प्लस और ऋण का मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता। किस उपकरण में जो है प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है वह आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह होता है एक कुंडली में, क्योंकि एमीटर में प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी, विद्युत सेल में भी होता है, किस में नहीं होता है? तो वह है ऑप्शन सी, यानी कि कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह जो होता है ना वह आपको नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वह किसका होता है? तो वह दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा जिसे हम तूतिया बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपके 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑप्शन में दोस्तों। नीला थोथा यानी कि तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? यानी CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ इस तरह से लिखेंगे CuSO4 × 5H2O। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यानी नीला थोथा तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन सा लवण है? मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, पहले इसको ध्यान से सुन लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये सवाल नहीं होता है आपसे, इसका मतलब आप तैयारी नहीं करते हैं। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और कुछ देर सोच लीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो दोस्तों लवण का जो आपका होगा इनमें से वह होगा K2SO4, कुछ इस तरह से लिखेंगे K2SO4। ठीक है, ये लवण है आपका K2SO4, पोटासियम सल्फेट आपका लवण है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन अणु में जो सहसंयोजक बंधन होते हैं उसकी संख्या 3 होती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का, इसे दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से बताना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे दोस्तों चूना पत्थर भी बोला जाता है, कुछ इस तरह से लिखेंगे CaSO3। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, .. वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का जो उदाहरण होता है वह क्या होता है? ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है और वह है लकड़ी। लकड़ी जो है ना वह वन से, यानी कि जंगल से प्राप्त होता है, इसलिए वन संपदा का जो उदाहरण है वह है लकड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी जो हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों इसका ट्रिक है, कहो 12 22 11, यानी 12 22 11 अगर इस तरह से दिया गया है तो आपको ऑप्शन में चुन लेना है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है कहो 12 22 11, यानी कि कहो 12 22
ग्यारह यानी कि ओ ग्यारह, ये आपका रासायनिक सूत्र होता है चीनी का। यानी कार्बन यहाँ पे 12 बार है, हाइड्रोजन 22 बार है और ऑक्सीजन 11 बार है। कहो 12 22 11, ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र है। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की कमी से जो होता है वह रोग कौन सा होता है? कन्फ्यूजन में नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें घेगा लगा देते हैं, घेगा नहीं होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है ना वह किस में पाया जाता है? तो वह दोस्तों कॉकरोच में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, यूरो दूसरा का जो संबंध है वह किससे है? तो यूरो दूसरा का जो संबंध है वह है वायु प्रदूषण से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरो दूसरा का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है और वह है डी डी टी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना वो सभी को पता होगा, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का उपयोग होता है। जब किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो विभिन्न 7 रंगों में बट जाता है, जिसे हम लोग वर्ण का विक्षेपण कहते हैं। और ये जो 7 रंग है किसी पट्टी पर दिखाई पड़ती है, जिस पट्टी पर दिखाई पड़ती है उस पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है प्रिज्म का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरुआत कर ही लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा समवेग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। समवेग प्रोटॉन का निम्नलिखित में से, यानी किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से समवेग सा गुण जो है ना वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, वह है समवेग, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सारा चीज़ आपको समझाऊंगा। एक प्रारूपी और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्रारूपी और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? क्वेश्चन नंबर जो 27 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना ही चाहिए। 0.5 से लेकर 1.0 वोल्ट तक जो है एक प्रारूपी और सौर सेल जो होता है वह विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सुरंगम, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुरंगम। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को सुरंगम कहा जाता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? तुल्य माने होता है बराबर। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के बराबर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, जो इसका आंसर होगा 1.625×10^18 जूल कह सकते हैं, क्योंकि कूलम का समत्रक जूल होता है, इसलिए एक कूलम विद्युत आवेश जो होता है वह 6.25×10^18 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना ही चाहिए, 5 सेकंड का मैं आप लोगों को समय देता हूँ।
निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मैं आपको बता दूं, वो एथीन है दोस्तों, एथीन, जिसमें एथेन, मेथेन, एथेन और प्रोपेन आप लोग पढ़े होंगे, यानी मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। एथेन सिंगल बॉन्ड, एथीन डबल बॉन्ड और एथाइन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बोले तो ऐसे होना चाहिए, और एथीन में डबल बॉन्ड होता है यानी कि ऐसे होना चाहिए, और एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी कि ऐसे होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम कोड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डाल देने पर पत्ती का रंग जो हो जाता है वह कैसा हो जाता है? अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का जो रंग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह नीला हो जाएगा, ठीक है, गाढ़ा नीला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में यानी कि प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः, निर्गत कोण का मतलब 40 डिग्री और विचलन कोण का मतलब 30 डिग्री हो, तो आपतन कोण का जो मान होगा वह क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोगों को समझना है, बरगलाना नहीं है दोस्तों। यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री हो, तो आपतन कोण का मान जो होगा वह क्या होगा? तो आपतन कोण का जो मान होगा ना वह 50 होगा दोस्तों, ठीक है। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आपको इसके बारे में नहीं समझना है, मैंने पहले से निकाल के रखा है, नहीं तो आप लोग उलझ जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है, अगर 40-30 है तो आपका कितना होगा, वह आपका होगा 50, कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डॉट है, कन्फ्यूजन है, अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपना कॉमेंट छोड़े, आपके कॉमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस का जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा, यही आपको बताना है, यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेंस की जो क्षमता हम लोग कहते हैं, किसे कहते हैं, 1/f को, जो कि सेंटीमीटर में हो तो ऊपर में 100 होगा, अगर मीटर हो तो 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगा वह होगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का चारों आंसर जो है बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, कौन सा ऑप्शन दे कौन सा नहीं दे। निम्नलिखित में कौन सा वायरस जो है वह संक्रमित रोग है, यानी जो फैलता है, वो है HIV और एड्स। HIV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म और MTS का फुल फॉर्म, सारे फुल फॉर्म्स को मैंने पहले से ही बता रखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर यूट्यूब के सर्च में जाइए, लिखिएगा फुल फॉर्म बाय सूरज सर। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन होता है, और उस इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का अगर फुल फॉर्म में दिक्कत होता है तो मैंने लिख करके बताया है, सर्च बार में जाइएगा, लिखिएगा HIV एड्स फुल फॉर्म बाय सूरज सर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने जितने भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, सारे फुल फॉर्म्स को मैंने डिस्कशन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, वह है रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वह स्त्रावित होता है, किस में स्त्रावित होता है? आपको राइट आंसर बताना है, वह है अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है?
एसेटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो होगा वह होगा यह सिरका भी गंध देता है, यह सिरका सी गंध देता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट को ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसका टेलीग्राम PDF चाहिए दोस्तों, जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए, या फिर एक वीडियो से लेकर के 6 वीडियो तक का सीरीज का, इस सीरीज जो चल रहा है साइंस का मॉडल सेट का, अगर उसका PDF आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पर जो है जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका PDF टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, और आंसर आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है कैसा, कैसा रंग होता है ये आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन सी बैंगनी होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है आप लोगों को बताना है, वह है CO2H2O और ऊर्जा, यानी कि CO2H2O और ऊर्जा ये श्वसन के अंतिम उत्पाद है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है आपको ये बताना है, तो वह दोस्तों अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी का। आपको यहाँ पे मैं एक जुगाड़ बताता हूँ जो आपको जीवन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। बैंगनी के बारे में अगर पूछा जाए आपको, तो ये चीज़ याद रखिए कि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह कम होता है। क्या होता है तरंग दैर्ध्य? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और यहाँ पे क्या बताने का फर्ज है, क्या लॉजिक है यहाँ पे समझिए। लाल रंग का अधिकतम जो होता है वह तरंग दैर्ध्य होता है, बाकी तरंग दैर्ध्य को छोड़कर बाकी कुछ भी लाल रंग के बारे में पूछा जाए वह कम होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम, बाकी लाल रंग के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो कम होगा। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, बाकी कुछ भी पूछा जाए तो वह अधिकतम होता है। अब जाकर के यहाँ देख लीजिए, अपवर्तनांक अधिकतम है यहाँ पूछा है, तो कुछ भी पूछे जो अधिकतम होता है तो वह होता है बैंगनी, और कुछ भी पूछे और कम होता है तो वह होता है लाल। ठीक है, केवल और केवल तरंग दैर्ध्य लाल का ज़्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य बैंगनी का कम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन में मैंने जो चीज़ बताया उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में ये एक नंबर फिक्स है जो आपको दिला देगा। तो इस तरह से मैंने दोस्तों 7 नंबर का जो सेट था साइंस का मॉडल सेट का, मैंने वो बता दिया है। 2022 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। अगर PDF इसका लेना चाहते हैं फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा और इसका आंसर आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।